Hello everybody, only this is a special for class 10th students. Time is very much important for you. This is your can be said the last class of your schooling. After this your matric examination will be conducted after this class. So this is very much crucial to you. You need to utilize each and every moment of this class. So with the same concept, context, I am over here with a very important poem, Fire and Ice, which has been composed by Robert Lee Frost, namely known as Robert Frost. Robert Lee Frost, this is the full name of this poet, but he is known as Robert Frost. About Robert Frost, let us know something, and after that, the things which have been written, mentioned on the board, that will go one after one, one word after one word. At first, Robert Frost. He was an eminent American poet, was born in San Francisco, California, USA. He wrote many poems. You might have studied so many poems written by this eminent poet, Robert Frost. One of the poems we have already studied in the previous classes is The Road Not Taken, very much important poem. You might have studied in the previous classes, or if you have not studied, you will study in the few further classes. The Road Not Taken, very much important. What the decision we take, whether it is right or wrong, on the same theme this poem is, The Road Not Taken. A stopping by woods in a snowy evening. This is also one of the famous creation of Robert Frost. Another creation, Mending Wall. This is also one of the most important creation of Robert Frost. He was very much important poet, very much can be said famous poet, but his works were not published. This is what to say, this is painful to say, that at first his works was not published in USA. At first it was published in UK, United Kingdom. ये बड़ा मैं थोड़ी सी वेदना के साथ कह रहा हूँ कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का की पहली रचना अमेरिका में पब्लिश नहीं हुई, यूके में पब्लिश हुई, और जैसे जैसे यूके में पब्लिश हुई अमेरिका में भी इनका नेम एंड फेम बढ़ता गया. दिस इज़ व्हाई इट इज़ सेड दैट अ मैन इज़ नॉट नोन इन हिज होम बट ही इज़ नोन इन द अदर प्लेसेस. दूसरे जगहों पर आपका पहले जब नाम हो जाता है तब आप घर में भी जाने जाते हैं. तो फॉर दैट वी हैव टू डू सम वर्क. So he has composed the poem. Let us come to the point. He has composed the poem Fire and Ice, very much nice 9 lines poem. बहुत ही सुंदर 9 लाइन की एक कविता है जिसका थीम, सेंट्रल आइडिया आप सुनेंगे तो मज़ा आ जाएगा. मतलब मज़ा की मैं गारंटी देता हूँ, उसमें आप ज़रूर इसको देखेंगे. क्या कहना है इस पोएम में इनका, मैं तो यहाँ लिखा हूँ लाइन आफ्टर लाइन ताकि हमको लिखने में और आपको बताने में कोई प्रॉब्लम ना हो या समय ज़्यादा न लगे. कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए आई हैव रिटन दोज ऑल थिंग्स ऑन बोर्ड ऑलरेडी. यू हैव टू जस्ट सी वन आफ्टर वन. आई विल गो वर्ड आफ्टर वर्ड, वर्ड बाय वर्ड वी शैल गो अहेड. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के माध्यम से समझाया है कि लोग कहते हैं कि दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी. क्यों ख़त्म हो जाएगी भाई? तो लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ फायर. मतलब हॉटनेस अर्थ का इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी. इट मीन्स हॉटनेस ऑफ सन विल इंक्रीज अप टू सच लेवल दैट द होल अर्थ विल बर्न. दिस इज सेड बाय द पीपल. लोग ऐसा कहते हैं. कुछ ये भी कहते हैं कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी क्योंकि कोल्डनेस इतना ज़्यादा हो जाएगा, धरती आइसी हो जाएगी और दुनिया ख़त्म हो जाएगी. दिस इज ऑल्सो सेड बाई द पीपल. लेकिन पोएट यहाँ सिम्बोलाइज करते हैं. सिम्बोलाइज करना मतलब प्रतीकात्मक बात है, उसको प्रतीक के रूप में सिंबोलाइज करते हैं. सिंबॉलिक एक एक्सप्रेशन है इनका कि हॉटनेस और फायर, जो फायर को सिंबोलाइज, फायर को कहता है, और यहाँ कोल्डनेस के लिए आइस की बात की गई है. आप देखेंगे इसमें वेयर इट इज गिवन, या सम से इन आइस विच इज रिटन हियर. तो यहाँ कोल्डनेस की बात है आइस का. तो पोएट उसको कैसे सिंबोलाइज करते हैं, हॉटनेस को इन्होंने क्या किया है कि डिज़ायर से सिंबोलाइज किया, और कोल्डनेस को
कोल्डनेस को इन्होंने हैटर्ड को मतलब हेट से सिंबलाइज किया। मतलब पोएट के अनुसार फायर और कोल्डनेस क्या है, तो ये डिजायर है, अनकंट्रोल्ड इमोशन है, हमारी भावनाएं जिस पे हम काबू नहीं कर पाते उससे है। और आइस का मतलब हमारे हैटर्ड से, हमारे नफरत से। मतलब दुनिया हॉटनेस और कोल्डनेस से समाप्त होगी कि नहीं होगी, इट इज़ नॉट नोन, लेकिन अनकंट्रोल्ड इमोशंस और हैटर्ड से, नफरत से जरूर समाप्त हो जाएगी। इसी बात को इन्होंने बताया। लेट अस सी लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ। लिखा है यहाँ, लेट अस सी क्या कहता है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से मींस हियर इट इज फॉर द पीपल दैट दे से दैट वन डे द वर्ल्ड विल एंड बिकॉज ऑफ फायर, बिकॉज ऑफ हॉटनेस। सम से इन आइस, एंड इन द सेकेंड लाइन इट इज सेड दैट सम ऑफ देम से दैट द अर्थ विल एंड बिकॉज ऑफ कोल्डनेस मीन्स आइस। द सन विल स्टॉप बर्निंग एंड द होल वर्ल्ड विल बिकम आइसी कोल्ड एंड द वर्ल्ड विल एंड। दीज टू लाइन्स आर सेइंग मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी आग से और ठंडी से, ये बताई जा रही लोग कहते हैं। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। लेकिन ये कहते हैं फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मैं मानता हूँ कि डिजायर 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 मीनिंग हैज बीन गिवन ऑलरेडी, डिफिकल्ट वर्ड्स इन द लिस्ट ऑफ दैट गेट गिवन। डिजायर मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग, मतलब किसी भी चीज को पाने के लिए हद तक पहुंच जाना, मतलब हद को पार कर जाना, उसको डिजायर कहते हैं। मतलब एक ऐसी इच्छा जिस इच्छा के कारण हम कुछ भी पूरा करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, उसको डिजायर कहते हैं। डिजायर यू नो दिस इज वेरी मच नेगेटिव इन सम ऑफ द सेंसेस। मेनी मोर एग्जांपल्स आर देयर, मेनी एग्जांपल्स आर देयर इन आवर मिथोलॉजी। फॉर एग्जांपल, वन एग्जांपल आई एम गिविंग टू यू, दिस वाज द डिजायर ऑफ लंकेश, दिस वाज द डिजायर ऑफ रावण दैट ही अबडक्टेड माँ सीता। ये रावण का डिजायर ही था कि सीता को उसने अबडक्ट किया, मतलब हरण किया, किडनैप किया, तो अपने डिजायर के कारण अपना समूल नष्ट करवा लिया। तो दिस इज द डिजायर। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि दुख का कारण क्या है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सफरिंग। ही हैज ऑलरेडी सेड योर डिजायर इज द मेन कॉज ऑफ सफरिंग, सो यू शुड नॉट हैव डिजायर, यू शुड हैव वांट्स, यू शुड हैव विशेस, बट यू शुड नेवर हैव डिजायर, बिकॉज दिस इज द रीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का ये कारण होता है, जरूरत से ज्यादा चाहना ये भी डिस्ट्रक्शन का कारण होता है। इसलिए जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। इट इज गिवन हियर फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मतलब इन्होंने फायर को डिजायर से सिंबलाइज किया है। और आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर मींस ही सेइंग दोज हु फेवर फायर अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज डिजायर। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि जो लोग फायर से कहते हैं इस दुनिया की खात्मा होगी, पोएट के अनुसार वो डिजायर है, वह उत्कट इच्छा है, जरूरत से ज़्यादा चाहना है किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्थान को या जीवन में कुछ भी। जरूरत से ज़्यादा चाहेंगे आपका विध्वंस, आपका नाश शुरू हो जाएगा, ये बताते हैं। आगे कहते हैं बट इट हैड टू पेरिस। पेरिस का मतलब होता है ख़त्म होना, क्षय होना। यह मैंने नहीं लिखा लेकिन आप लिख सकते हैं, पेरिस का मतलब ख़त्म होना या क्षय होना। बट इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, मतलब केवल एक ही बार नहीं, दो बार खत्म होना है। अगर हॉटनेस के कारण खत्म होता है या डिजायर के कारण खत्म होता है, और फिर दूसरा भी कारण हो सकता है। आई थिंक आई नो एनफ मीन्स द पोएट इज सेइंग ही नोज एनफ दैट इट विल डिस्ट्रॉय ट्वाइस सेकेंड टाइम। और उस वो किस कारण से, ऑफ हेट, वो नफरतों के कारण, डिजायर के कारण और नफरतों के कारण यह दुनिया खत्म होगी। नफरतों के कारण का एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, अ गुड एग्जांपल इज देयर इन महाभारत, यू सी देयर इज हैटर्ड बिटवीन दैट दुर्योधन इज हैविंग हैटर्ड अगेंस्ट दोज अ पांडवस, दिस इज व्हाई दैट महाभारत टुक प्लेस। टुडे आल्सो वी आर फेसिंग मेनी एग्जांपल्स ऑफ हैटर्ड बिटवीन टू कम्युनिटीज, बिटवीन टू कंट्रीज, बिटवीन टू कास्ट्स, दिस इज हैटर्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट हैटर्ड वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय आवर सेल्फ। सो इट इज़ अप टू यू वॉट टू चूज, ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चुने, हैटेड चुने या लव चुने।
स्ट्रॉन्ग विल चाहिए, डिजायर चाहिए, या हमारा सिंपल बेसिक रिक्वायरमेंट और नीड चाहिए। इट इज सेड दैट द अर्थ हैज एवरी थिंग टू फुलफिल द नीड ऑफ समवन, बट इट डज नॉट हैव एनी थिंग टू फुलफिल द ग्रीड ऑफ एनी वन। मतलब इस धरती के पास पर्याप्त चीज है हमारे नीड को पूरा करने का, लेकिन हमारे ग्रीड के पूरा करने को, ग्रीड मतलब लालच को पूरा करने के लिए कुछ नहीं है। द सेम हैज बीन ऑल्सो गिवन हियर। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर आई ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। मतलब कहते हैं कि मुझे ये भी पता है कि सफाइस मीन्स सफाइस का मतलब यहाँ उससे है, सफिशियंट से, बी सफिशियंट। मतलब हेटर्ड भी एक सफिशियंट कॉज है टू डिस्ट्रॉय दिस अर्थ और फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ। तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस मीन्स दिस विल बी सफाइस मीन्स दिस विल बी सफिशियंट टू डिस्ट्रॉय और फॉर एंडिंग दिस अर्थ और टू एंड द अर्थ। सो दिस वॉज द पोएम। We can come to the conclusion now. The poet is saying the earth will end because of our desire, the strong will in which there is no limitation on our emotions, uncontrolled emotions. मतलब कभी ये कहते हैं कि ये दुनिया दो चीज़ों से समाप्त हो जाएगी, एक हमारे uncontrolled emotions से, हमारी एक ऐसी भावना जिस पर कोई हमारा control नहीं है, किसी भी चीज़ को पाने के लिए हम उसके अंदर इतना घुस गए कि हम उसको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, तो वो हमारा डिज़ायर है। और दूसरा हैटर्ड, नफरत। तो इन दो चीज़ों से इस पोएट के अनुसार हमें बचना चाहिए। वी शुड नेवर हैव डिज़ायर, वी शुड नेवर हैव दैट ग्रीड टू गेट समथिंग व्हाट वी डोंट हैव, जो हमारे पास नहीं है लालच के कारण उसको पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। सेकेंड, वी शुड नेवर हैव हेटर्ड अगेंस्ट anyone, so we should not hate anyone. तो हमारे पास hatred भी नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ desire नहीं होनी चाहिए। ये इनका message था, एक lesson था, और यही इस poem के माध्यम से बताए हैं, जो कि word to word हमने समझा है। जहाँ कहीं भी problem हो आप comment कर सकते हैं मेरे channel पे। उसके बाद जो difficult words का list है, इसमें desire, a strong feeling of wanting to have something, मतलब किसी भी चीज़ को पाने का strong feeling। उसके बाद फेवर का मतलब सपोर्ट, और पेरिस का मतलब मैंने यहाँ लिखा है डाई, मतलब मर जाना, खत्म हो जाना, जो कि क्षय हो जाना मैंने बताया था यहाँ। सफाइस इन्होंने राइम बनाने के लिए लिखा है, सफाइस का मतलब बी सफिशियंट, मतलब पर्याप्त होना। अब राइमिंग स्कीम क्या है इसको आप देखेंगे, इसमें मैंने लिख भी दिया ए बी ए, ए बी सी, बी सी बी, मतलब ये नौ लाइन का है, तो तीन तीन लाइन का राइम। देन स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग ऑन राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। तो आई हैव रिटन इट ऑलरेडी, ए बी ए, ए बी सी, बी सी बी, ये नाइन लाइंस का पोएम है, तो तीन तीन लाइंस का ग्रुप मैंने दिया है, ए बी ए, ए बी सी और बी सी बी। चलिए अब पोएम इसको देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ इसका लास्ट वर्ड है फायर, तो इसको हमने ए लिया, और दूसरा है आइस, तो इसको बी लिया, फायर ए, आइस बी, और फिर यहाँ फायर और डिजायर एक जैसा है ना, राइम्स इनका एक जैसा है, फायर डिजायर, तो इसलिए ए और ए कर दिया, और उसके बाद फिर फायर आ गया, मतलब फायर डिजायर फायर, तो ए ए ए आया। अब ए बी ए जो हमने पहला लिखा था, ए बी ए विच इज़ ओवर हियर, उसके बाद फिर पहला तीन लाइन हो गया। अब दूसरा लाइन, अब आइस का यहाँ ट्वाइस, आइस जैसा है वैसा ही यहाँ ट्वाइस है, तो बी बी, अच्छा बी बी का मतलब वो राइमिंग है इसकी, मैं दूसरा कुछ नहीं समझना है। आगे उसके बाद हेट है, तो हेट को सी लिया, क्योंकि ऊपर जितने भी है ट्वाइस ट्वाइस फायर डिजायर आइस, उसमें हेट कहीं नहीं मेल खा रहा, इसलिए इसको सी रखा गया। अब सी के बाद यहाँ फिर अगला है आइस, तो आइस और ट्वाइस फिर है, इसलिए इसका भी बी, और यहाँ आइस, तो आइस ट्वाइस आइस, तो बी बी बी, और उसके बाद यहाँ ग्रेट, तो ग्रेट और हेट एक जैसा है, मतलब इनका राइम्स मिल रहा है राइमिंग टोन, तो सी सी हो गया। उसके बाद सफाइस, तो हेट का और ग्रेट का सी हो गया, सफाइस का आइस से है, आइस सफाइस, तो इसलिए बी हो गया। तो इस तरह से पहला तीन ए बी ए, दूसरा ए बी सी, तीसरा बी सी बी। तो दिस वाज द राइमिंग स्कीम्स व्हाट वी हैव नोटेड इट ऑलरेडी। दिस इज ऑल्सो इन योर क्वेश्चन,
आपके इस टेक्स्ट के क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछता है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, इस पोएम का राइम स्कीम क्या है, तो बस आप जस्ट यू कैन राइट ए बी ए ए बी सी बी सी बी, दैट विल बी द प्रॉपर आंसर। नाउ कमिंग टू अदर लिटरेरी डिवाइसेस, दूसरे डिवाइसेस पे आते हैं तो एक इसमें एसोनेंस भी मिलेगा। एसोनेंस क्या है, तो रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स, वॉवल साउंड्स का रिपीटेशन। देखिए जैसे इसमें आप कुछ वर्ड देखेंगे जिसमें ओ को रिपीट किया गया बहुत ज़्यादा, जैसे इसमें होल्ड, दोज, हु, फेवर, है ना। तो ऐसे शब्दों में जहाँ किसी एक वॉवल को बहुत ज़्यादा रिपीट किया गया तो उसको एसोनेंस कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, यू कैन फाइंड आउट दोज ऑल दोज अदर्स एग्जांपल्स ऑफ एसोनेंस। उसके बाद दूसरा एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मतलब आपको पता है कि व्हेन सेम साउंड इज बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, वही साउंड बार बार रिपीट करता हो तो आप एलिट्रेशन कहते हैं। तो इसमें फेवर फायर आप देख सकते हैं, या फेवर फायर एक यहाँ एलिट्रेशन का एक एग्जांपल है। एलिट्रेशन मतलब फेवर में भी एफ है, फायर में भी एफ है, और बोलते भी हैं तो फेवर फायर। तो इस तरह से एक एलिट्रेशन का भी है, दूसरे एलिट्रेशन को आप खोज सकते हैं। उसके बाद पर्सनिफिकेशन भी है। पर्सनिफिकेशन का मतलब क्या कि वॉट अ पर्सन डज द सेम इज डन बाई दोज हु कांट डू दैट, बट इन द पोएम और इन द दैट लिटरेचर इट हैज बीन गिवन दे ऑल्सो डू द सेम। जैसे फायर एंड आइस आर कैपेबल टू डिस्ट्रॉय, यहाँ फायर और आइस को बताया गया है कि दुनिया को डिस्ट्रॉय करेगा, तो एक पर्सोनिफिकेशन का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया। दैट्स ऑल, दिस वॉज द लेसन पोएम विच हैज़ बीन कम्पोज बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मैंने किया है। आप इस वीडियो को देखेंगे, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, शेयर कीजिए, बिकॉज वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क वाइल कंपोजिंग दिस ऑल थिंग्स एंड सेंडिंग इट टू यू। दैट्स ऑल, थैंक्स अ लॉट, वेरी गुड।